सबको पता शासन है जो भी है वो करेगा ही, जो भी आएगा करेगा, बात उसकी नहीं है। अब लोगों की अपेक्षा है आपसे जुड़ी है, वो चाहते हैं आप महीने दो महीने रहिए या तो सर बतौर प्रमोशन आप चले जाइए। जी सर, प्रमोशन जो है प्रमोशन बन के गया जो है प्रमोशन करके प्रमोट होकर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होकर जाइए ना सर। कमिश्नर साहब, डीएम साहब आए, प्रमोशन यही जो है घोषणा करें, हम लोग तैयार हैं। भेज देना सर, सीडीओ बना दे, यही घोषणा करें। बच्चा भी है देखिए सर, सब छोटे बड़े पूरी बाजार बंद है, सब हो आए हैं। यहाँ क्यों नहीं, चूल्हा नहीं आज कर, आज मसला है किसी के यहाँ खाना नहीं बना है, पूरा सब बंद है। अधिकारी यहाँ घर में खाना तक नहीं बना है, कोई ऐसा कानून कारण बताया जाए खिलाफ जो गलत हो, जो है कोई अवैध काम की हो सर ट्रांसफर कर दिए जाए। घर में आपका नाम है कैसा, उसका पनिशमेंट जो है, धन हो माँ बाप ऐसे लाल नहीं है, घर घर में आवाज करने का पनिशमेंट ये कोई बात नहीं है सर, जो है अच्छे काम के लिए पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट पोस्टिंग है, पनिशमेंट पोस्टिंग है सर। इलाहाबाद सीडीओ पोस्ट दिया जाए ना, सीडीओ इलाहाबाद बनाया जाए। हम लोगों की निगाह में है कि आप लेकिन ऐसे अधिकारी हमें नहीं मिलेगा ना सर। बात अधिकारी कही सर, कचना आप लोग दूसरा घर जैसा है, हम लोग सपने में देखते हैं आपको, मान करके आपको भेजे आपके कार को सपने में हम लोग देखते हैं सर। आप प्रमोशन पे जाएंगे, हमारा सर जानता था कि ट्रेनिंग में आए हैं सर, यहाँ से प्रमोशन में जाएंगे, आधी रात को सर ऐसे भेजे जा रहे हैं, इसलिए जनता घबरा गई है सर। कोई ये जो करछना एहडीएम का ट्रांसफर हुआ है, इसे किस तरह से देखा जाए और क्या इनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव था जो सीएट्स को लेकर कार्यवाही हुई थी? ये भू माफिया और बालू माफिया, उन्हीं के दबाव में इनका ट्रांसफर किया गया है। यहाँ की आम जनमानस उसकी ये इच्छा है कि इनका ट्रांसफर रोका जाए, या तो ये एक आईएएस अधिकारी हैं, अगर इनका स्थानांतरण किया जाता है तो बतौर प्रमोशन इनको डीएम बना के भेजा जाए। अगर इनका स्थानांतरण एसडीएम पद पे किया जाएगा तो यहाँ की पब्लिक इनको जाने नहीं देगी, उसीलिए धरना प्रदर्शन करना। इन परिस्थितियों में इनका ट्रांसफर किया गया है, ये यहाँ के उच्च अधिकारी चाहे डीएम महोदय हो चाहे कमिश्नर महोदय हो, वो ये बताएं जो अपना स्पष्टीकरण दें कि किन कारण अचानक इनका ट्रांसफर कर दिया गया। जो इनके ट्रांसफर के पीछे क्या सफेद पोषों का हाथ है? बिल्कुल सफेद पोषों का हाथ, सफेद एक मिनट नाम नहीं, नाम किसी का नहीं, किसका है हम ये नहीं जानते, लेकिन सफेद पोष नेताओं के उसमें ही इनका ट्रांसफर किया गया है। किसका नाम? केशव जी को मैं बता रहा हूँ, केशव जी के दबाव में कर रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है।